स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया ना। जो 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 याद है उसको बोलो। मदद करें और तथा इसको बदलने में प्रार्थना करें।
तो भगवान तो किनको वक्रसल है वे माता की वो भाव को समझ के तथा उनकी उन पर कृपा करने के तैयार हो गए। जब माता यशोदा ने उनको बांधा तो वे उस समय तुरंत बन गए। यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि ये दो अंगल क्या थे। ये दो अंगल गुरुदेव बताते हैं कि इन दो वस्तुओं के इन दो चीजों के सिवा कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहाँ पे गुरुदेव बताते पहली है साधक की साधक चेष्टा और दूसरा बताते भगवान की भगवत कृपा। माता यशोदा पहले क्या कर रही थी कि अपनी चेष्टा कर रही थी, बहुत जोर से कर रही थी कि यह मेरा बच्चा है, मेरी कोख से जन्म हुआ है, मेरा पुत्र है, क्या मैं इसे नहीं बांध सकती, मैं तो इसे बांध सकती हूँ। माता यशोदा अपने ऊपर बल अपने ऊपर बलपूर्वक वह चेष्टा कर रही थी। जब माता यशोदा अपने ऊपर उस चेष्टा को करते करते सुबह से शाम हो गई तो कृपा कुछ तो नहीं बने, क्योंकि वे जब तक चेष्टा अपने द्वारा कर रही थी कि मैं बांधूंगी। परंतु जब वे भगवान के शरणागत भी जाकर शरणागत जाते हुए तो भगवान तो भक्त वत्सल है, शरणागत होते भगवान ने कृपा करी और ठाकुर जी तुरंत बन गए। यहाँ पर गुरुदेव से हमने सुनाया है कि कभी जब भी हम यहाँ पे गुरुदेव यहाँ पे दो उदाहरण बताते हैं, एक तो बंदर का और एक बिल्ली का। उनके गुरुदेव ने कुछ नाम बताए थे वो मुझे नाम ध्यान नहीं है, पर जब बंदर का बच्चा होता है वो अपनी माँ को बहुत अपने अपने तरफ से जोर से पकड़ा होता है, जिसमें माँ की कोई चेष्टा नहीं होती, माँ उसको कभी भी नहीं पकड़ती, माँ इधर से उधर कूदती है, कितने भी छलांग लगाते रहे वो बच्चा खुद अपनी चेष्टा से माँ को पकड़ा रहता है। मैं बताते हैं कि जब हम अपनी ही भगवान की कृपा से ही हमें कुछ सब कुछ मिल सकता है, हम अपनी चेष्टा कितनी भी करें नहीं मिल सकता। अगर बच्चा एक बार भी माँ को छोड़ दे तो माँ उसे कभी भी उठाती नहीं है, बल्कि उसको उल्टा पिटाई और लगाती है, ऐसा हमने गुरुदेव से सुना था। यहाँ पर दूसरा गुरुदेव ने उदाहरण बताया कि बिल्ली का। बिल्ली अपने बच्चे को स्वयं बताते हैं कि बिल्ली अगर बिल्ली का बच्चा सोया हुआ है अगर वो उसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएंगे तो उसकी नींद भी नहीं खुलेगी, इतनी आराम से वो अपने बच्चे लाजे। यहाँ सारा की सारी कृपा बच्चे पर कौन कर रही है, यहाँ बिल्ली कर रही है, सारी चेष्टा बिल्ली की हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम दोनों को अलग अलग करें, इन दोनों को उसे बताते हैं कि इन दोनों को एक साथ जोड़ना पड़ेगा कि हम भी हमें भी चेष्टा करनेगी और भगवान की कृपा होगी। ऐसा नहीं है कि भगवान ने कृपा करके हमें रोटी तो दे दी पर हम चेष्टा करके उसको खाएं ना, क्या भगवान आके हमारे मुँह में खिलाएंगे। गुरुदेव ने वैसे इसके लिए भी एक कथा सुनाई थी कि हाँ ऐसा भी होता है, परंतु हमें ऐसा नहीं है कि हमें चेष्टा करनी होगी, बिना चेष्टा के भगवान की कृपा नहीं हो सकती। वंचा हाँ कौन बोलेगा सामान आज तुम बोलो मुझे तो बिठा दिया। हाँ कल जो कल जो तुम आधा और आधा कौन आधा तुम बोला हाँ ठीक है हाँ जितना बोलो। हरे कृष्णा कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार भगवान ने अघासुर का वध किया, इस प्रकार कृष्ण जो है उन्होंने कृष्ण बलराम ने जिद करी कि हम कल वन भोजन करेंगे, सब अपने घरों से भोजन पान करके वन में जाएंगे और वहां पर भोजन करेंगे। और कैसे कृष्ण ने सुबह बांसुरी बजाई लेकिन बलदेव प्रभु को उस दिन जन्म नक्षत्र होने के कारण बलदेव प्रभु नहीं गए, कृष्ण और सखा ही गोचारण के लिए गए। सभी ने अपने घर से बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन पान कुआ लड्डू सब बांध लिया है, खीर सब सुंदर सुंदर वस्तुओं की माताओं ने उन्हें बांध करके दे दिया अगर भोजन के लिए, और ये लोग निकले हैं। कृष्ण पीछे थे तभी सखाओं ने देखा कि एक बड़ा भयंकर राक्षस वहां पर आया, लेकिन उसके पहले बताया कि कृष्ण जो है खेल खेल में बहुत मस्त होंगे, कोई छड़ी को दूर फेंकते फिर लगाते कंपटीशन की कौन पहले लेकर के आएगा। इस खेल में इतना व्यस्त हो गए वो कि उनको यही भूल गए कि हमें भोजन भी करना है। जो माया जो भगवान की लीला शक्ति है वो देख रही है कि भगवान के भोजन का टाइम हो गया, और जो कृष्ण है उन्होंने आज क्या सोचा था कि वन भोजन करेंगे बड़ा आनंद आएगा, लेकिन प्रभु को तो याद ही नहीं, इसलिए उनका ने क्या किया वहां पर अघासुर को ले आए। अघासुर जो एक बड़ा राक्षस जो कंस ने भेजा था, बड़ा विशाल, उसका एक मुंह नीचे और एक ऊपर, जब मुंह फाड़ करके वहां से लेटा हुआ था ऐसा लग रहा था, बहुत बड़ा राक्षस। सारे सखाओं ने उसको देख करके बोला कि ये लगता है कोई गुफा है,
कोई बोला नहीं ये विशाल सर्प है, ये खतरनाक सर्प लग रहा है। बोला लगता है विश्वकर्मा ने कोई नया प्राणी बनाया ये सर्प है। कोई बोला कि नहीं ये गुफा है, हो सकता है ऋषि मुनि अंदर तपस्या कर रहे होंगे। बोला अगर सर्प हुआ तो, बोला चलो अंदर चल के देखते हैं, अगर कुछ होगा तो कृष्ण तो पीछे आ ही रहे हैं, वो हमारी रक्षा कर लेंगे। इसमें सखा उधर घुस जाते हैं, कृष्ण पीछे तवाना का अंदर मत जाओ अंदर मत जाओ, लेकिन वो अघासुर को मुंह फाड़ के देख रहा था कब कृष्ण अंदर में आएंगे। और जैसे ही कृष्ण जब देखते सारे सखा अंदर चले गए, तब कृष्ण को बचाने अंदर जाते हैं और वो मुंह को बंद करते हैं। इस सारे दृश्य को देवता सब देखते हैं, और वहां पर जो कंस के अनुचर थे वो भी उस दृश्य को देखते हैं। कंस के अनुचर उसको देख करके कि कृष्ण अंदर गया, मुंह बंद कर लिया, वो बड़े प्रसन्न हो गए। जाकर के कंस को बता दिया, बोला महाराज काम हो गया, अघासुर ने मुंह बंद कर दिया, कृष्ण अंदर गप कर गया, खेल खत्म। और जो देवता थे वो भी उसको देख करके डर गए। यहाँ प्रश्न हुआ कि देवता क्यों डर गए? देवता को जानते हैं भगवान, लेकिन क्योंकि उनकी भगवान में प्रीति है और अपने जो प्रिय हो गए किसी खुशी में होता है, खुशी में सभी को डर लगता है, इसलिए देवता भी वहां पर डर गए। इसके बाद कृष्ण ने देखते देखते वह विशाल रूप अंदर उसके अघासुर के अंदर इतना विशाल रूप कर लिया कि उसका सांस नहीं बंद हो गई, और देखते देखते उसकी जो तालू को फाड़ करके कृष्ण ने उसकी उसका वध कर दिया। लेकिन जो उसके प्राण निकले वो निकल करके बाहर घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, कहीं नहीं गए। और कृष्ण ने अंदर देखा कि सारे सखा जो है वो लगभग मृत के जैसे हो गए। तो कृष्ण ने वहां पे अपनी जो अमृत दृष्टि के द्वारा सबको पुनः जीवन दान दिया। और जब बाहर आए थे कृष्ण, तब क्या हुआ कि वो जो ज्योति है घूमते घूमते कृष्ण में ही समा गई। इस दृश्य को सारे देवताओं ने देखा, सबने मृदंग बजा करके, सबको जो गंधर्व है मृदंग बजा करके नृत्य कर रहे हैं, देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, सब बड़े आनंदित हो रहे हैं कि अघासुर बहुत खतरनाक राक्षस था। बताते हैं कृष्ण लीला में जितने भी राक्षस है ये लोग साधारण नहीं है। कंस के सामने रावण कुछ भी नहीं, कंस कितना खतरनाक राक्षस। और ये जो पूतना और अघासुर बकासुर ये तीनों बहन भाई थे, इसमें भी जो बकासुर बहुत खतरनाक था, जब अपने पंख हिलाता था ना तो देवता में स्वर्ग में सिंहासन हिल जाता था इंद्र का, इतना डरते थे सब इनसे। लेकिन कृष्ण ने खेल खेल में सबको मार दिया। फिर यहाँ विष्णुचार चक्र ठाकुर पाद एक प्रश्न उठाते हैं कि कृष्ण ने अभी तक तो बड़ा रूप नहीं किया, ये अघासुर के मुंह में बड़े क्यों हो गए? पूतना को मारा तो छोटे से दूध पीते पीते मार दिया है ना, और उसको तो गला लगा के मार दिया त्रिणाव्रत को है ना, और शक्तासुर को अंगूठे का टच किया वो मर गया। लेकिन यहाँ देखा क्या अघासुर के अंदर विशाल रूप बना करके मारा, क्या प्रश्न है क्यों मारा? ये प्रश्न उठाया, यहाँ बताया कि वहां पर सारे ब्रजवासी थे, सबके बीच में अगर कृष्ण बड़ा रूप लेते ऐश्वर्य को देख करके माधुर्य वहां कम पड़ जाता, इसको देख करके कृष्ण ने कि यहाँ तो कोई है नहीं, सांप के मुंह में कौन देखने आ रहा है, और सखा तो मूर्छित हो गया, इसलिए कृष्ण ने देखा कोई है नहीं, वो बड़ा होकर के उसका वध कर दिया। इस प्रकार जब सभी देवताओं ने देखा कि वो जो ब्रह्म वो जो ज्योति जो निकली थी अघासुर से वो किसमें समा गई है, कृष्ण में समा गई है। और यहाँ पर जो बताया कि पांच प्रकार की मुक्ति होती है, यह अघासुर को सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई, सारूप्य मुक्ति, सारूप्य माने भगवान जैसा ही रूप उन्हें प्राप्त होगा और वैकुंठ में जाएंगे। तो कल जो हमने कथा श्रवण करी थी उसमें हमने श्रवण किया था कि जो ये सारूप्य मुक्ति जो प्राप्त हुई है उसको देख करके सब लोग बड़े आश्चर्य के देखो धन्य है भगवान कृष्ण, देखो ये जो मारने आया उसको क्या देती गति, इसको सारूप्य मुक्ति देती है। सारूप्य मुक्ति भी कोई छोटी बात नहीं है। तो यहाँ ब्रह्मा जी भी आए हैं, ये ब्रह्मा जी जब सारे देवता जय जयकार लगा रहे हैं, नृत्य हो रहा है, गान हो रहा है, उसको सुन करके ब्रह्मा जी तब लोक में होते हैं ना, मोहजन भू भुआ करके स्वर्ग पीछे आकर ये पृथ्वी मृत्यु लोक में आकर के ब्रह्मा जी ने जब ये सुना, जब देखा कि किस प्रकार जो अघासुर है कृष्ण में समा गया, तो वहां ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत ज्यादा। यहाँ दो प्रकार के आश्चर्य हुए, यहाँ पे ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि देखो कि कृष्ण 5 साल के हैं और इन्होंने क्या करा, ये लीला लीला में ही इसको अघासुर का वध कर दिया। और जो ये कृष्ण ये जो अघासुर का वध किया था ये 5 साल की आयु में कृष्ण ने किया था, लेकिन जो सखा है कृष्ण के वो जब 6 साल के हुए तब उन्होंने अपने घर पे सारी बातें बताई। तो ये 5 साल में मारा और 6 साल में बताई, ये भी एक प्रश्न यहाँ पर उठता है, फिर आगे वहां पर वो पूछेंगे। यहाँ पे ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि ये जो सारूप्य मुक्ति जो मिल गई है अघासुर को, ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि जो साधारण मुक्ति जो सायुज मुक्ति होती है वो भी आसानी से प्राप्त नहीं होती, उसके लिए जो ज्ञानी होते हैं वो शाम दम पूरे इंद्रियों का दमन करते हैं, तप करते हैं, साधना समाधि लगाते हैं, पूरे संसार से पूरी रूप से विरक्त हो जाते हैं, पापों को नष्ट कर देते हैं, तब जाकर के उनको ये मुक्ति पद प्राप्त होता है, ये ब्रह्म सायुज ब्रह्म में मिल जाते हैं।
तब जाकर के उनको ये प्राप्त होता है। लेकिन अगासुर को क्या मिला है? अगासुर को मिला है सारू। जिनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है वो इस ब्रह्मांड के बाहर गिरजा नदी के ऊपर जो ब्रह्म ज्योति है उसमें उनको स्थान मिलता है। लेकिन ये जो अगासुर है इसको कौन सा स्थान मिला है? वो ब्रह्म ज्योति के ऊपर कैलाश को भी भेद करके ऊपर जो वैकुंठ है वहां पर उसे सारूप में मुक्ति प्राप्त हुई। ये बड़ा आश्चर्य है, ब्रह्मा जी इसको देखकर के बड़ा आश्चर्य हो रहे कि ये कैसे हो सकता है। और बताया यहाँ पर जो इसके उत्तर में बताया यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो पूतना है पूतना को भगवान ने कौन सी गति दी थी? गोलोक में धात्रोचित गति दी है, धात्री घाईमान ऐसी गति किसको दे दी है? पूतना को दे दी है। लेकिन अगासुर को गति नहीं दी है। क्यों बताया यहाँ पे? क्योंकि वो गोलोक के अंदर स्थान प्राप्त करने के लिए विशेष भक्ति की आवश्यकता होती है। और ये अगासुर भी जो अगासुर को जो वैकुंठ जो मिला है ये भी साधारण अगासुर नहीं है। क्यों यहाँ पे बताते हैं? क्योंकि जब अगासुर के मुख में कृष्ण गए तो कृष्ण जो थे वो अपनी इच्छा से गए अगासुर के मुख में। अगासुर तो खींचना चाहता था लेकिन वो नहीं कर पाया, कृष्ण अपनी इच्छा से गए। हम लोग वृंदावन जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, नवदीप जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि वो भगवान का पदान की धाम है। मां कृष्ण सब ब्रजवासी चले हैं, उनकी चरण धूल वहां पर है। उस चरण धूल को लेने के लिए हम इतना दूर तक जाते हैं, लोट पोट खाते हैं गिरिराज जी में, वृंदावन में। क्यों? ताकि वो चरण धूली हमें प्राप्त हो जाए, चरण धूली प्राप्त हो जाए। और ये कितने साल पहले कृष्ण चले गए? 5000 5500 साल पहले कृष्ण चले गए, 550 साल पहले महाप्रभु चले गए। तब भी हम लोग धाम में जाते हैं चरण धूली लेने के लिए। लेकिन ये अगासुर कौन है? इसको साक्षात कृष्ण के चरण स्पर्श हो रहे हैं साक्षात। तो क्या साधारण है? साधारण नहीं है। फिर बताया जब ये मर गया, मरने के बाद जब इसका शरीर सूख गया तो इसके शरीर के अंदर कृष्ण लुका छुपी खेलते, सारे सखा खेल खेलते, जैसे गुफा बन गई ना उसके अंदर लुका छुपी खेलते हैं। इसीलिए कृष्ण क्या है? हतारी गति दाय, जिसको मारेंगे कोई ना कोई गति उसको अवश्य ही मिलेगी। इसलिए कृष्ण के हाथ से गति होना माने कुछ ना कुछ वस्तु वहां पर प्राप्त होगी, इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है अगर उसको सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो गई है। तो यहाँ विष्णु चक्र ठाकुर एक प्रश्न उठाते हैं कि भगवान तो भक्ति से मिलते हैं, भक्ति से मिलते हैं, लेकिन ये अगासुर ने कौन सी भक्ति करी? अगासुर ने तो भक्ति करी नहीं, ये तो भगवान को मारने आया था। तो खटवांग राजा के यहाँ पे बताया कि खटवांग राजा ने भी कम से कम एक मुहूर्त तो कम से कम भगवान में चित्त को लगाया था। खटवांग राजा की कथा सुनाई, ये बड़े प्रतापी राजा थे, स्वर्ग में देवताओं को मदद करने के लिए युद्ध करने गए थे, वहां इनकी मदद से देवता युद्ध को जीत गए। तब देवता ने बोला महाराज वरदान मांगो, हम देवता आपको वरदान दे देंगे। बोला वरदान तो मांग लूंगा, पहले मुझे ये तो बताओ कि मेरी आयु कितनी बची है। जब देवताओं ने उनको बताया कि आपकी आयु तो बस एक मुहूर्त बची है, केवल 48 मिनट। जिसको सुनकर खटवांग राजा बोले कि तुम्हारे वरदान का मैं करूंगा क्या? जब बचूंगा ही तुम्हारे वरदान का क्या करूंगा जब जिंदा ही नहीं बचा? तो बोले कि ठीक है। फिर बोला कि अच्छा अब मुक्ति दे दो। देवता को बोला मुक्ति हम दे नहीं सकते। बोला फिर क्या फायदा? मुक्ति तुम दे नहीं सकते और मेरी आयु बढ़ा नहीं सकते तो फिर क्या फायदा ऐसे देवता होने का? बोला एक काम करो, मेरे को ऐसा विमान दो जिससे कि मैं एक क्षण में पृथ्वी पर चला जाऊं। क्यों? क्योंकि मुक्ति ददा देती मुकुंद, मुक्ति को प्रदान कर सकते भगवान कृष्ण प्रदान कर सकते। इसलिए आप क्या करो, मुझे ऐसा विमान दो जिससे मैं जल्दी से जल्दी मृत्यु लोक में चला जाऊं। मृत्यु लोक में जाकर के आप लोगों ने एक क्षण में भगवान में चित्त लगाया और भगवान की प्राप्ति कर ली। तो यहाँ बताया कम से कम उन्होंने एक मुहूर्त तो भगवान में चित्त लगाया तब तो भगवान की प्राप्ति। अगासुर ने क्या किया? अगासुर ने तो कुछ किया ही, फिर भी इसको प्राप्ति हो गई कैसे? तो यहाँ पे बताया कि कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, कुछ भी कर सकते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ये समुच्चयति ईश्वर। जो नहीं को है कर सकते, जो है को नहीं कर सकते। मसक ही करे विरंची प्रभु अज ही मसकते हीन अस जानी तज संशय राम ही भजई प्रवीण। इसलिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी संशय नहीं है अगर भगवान ने उसको वो गति प्रदान कर दी अगासुर को। और यहाँ पे बताया कि कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है और कृष्ण से अगर किसी भी प्रकार से संबंध हो जाए, किसी भी प्रकार से संबंध अगर कृष्ण से हो जाए तो गति मिलना तय हो जाता है। जैसे गोप्या कामा कंस भया, गोपियों ने काम से जो चीज दिखने में खराब लगती है काम क्रोध लोभ मद है मोह, इन्हीं से क्या करा? लोगों ने भगवत प्राप्ति कर दी। कैसे? गोपियों ने काम से, गोपिया कामा कंस ने भय से, भय में निरंतर कृष्ण कृष्ण करता रहता था, रात में सोता था तो बोला कृष्ण आ गया बचाओ मुझे, भय से प्राप्त कर ले। शिशुपाल ने द्वेष से प्राप्त कर ले, कितना गाली बका
सौ गाली बदले, एक गाली बोला, एक और गाली की सुबह तुम्हें बंद कर देंगे, लेकिन माता ने जब एक सही बोला बस जला भगवान ने काट दिया तो भी उसको मुक्ति मिल गई। तो इस प्रकार से भगवान से अगर किसी भी प्रकार से संबंध हो जाए तो गति मिलना तय हो जाता है। फिर यहां बताया कि जो पूतना है इसको गोलोक की प्राप्ति क्यों हुई, ये प्रश्न है कि पूतना को गोलोक की प्राप्ति क्यों हुई। अगासुर को तो वैकुंठ मिला, पूतना को गोलोक मिला, क्यों? क्योंकि पूतना जो थी उसने विशेष वहां पर भक्ति की है। कैसे? क्योंकि पूतना जो थी वो पूर्व जन्म में रत्न माला थी, भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहती थी, भगवान के रूप को देख करके मोहित थी, उनको अपना स्तनपान कराना चाहती थी। फिर यहाँ पर भी आई तब उसने मीठा मीठा बोला, बोला रे यशोदा इतने सुंदर बालक को थोड़ी ना पालने में सुलाते हैं, इसको तो गोद में लेकर प्यार करते हैं, इसको तो दूध पिलाते हैं। इतना बोली इससे रीझ गए भगवान, इससे रीझ गए। तो पूतना का प्रेम जो था वो अगासुर जैसा नहीं था, पूतना वहां पे ममता दिखाई गई, इसलिए कृष्ण ने क्या करा, वो जो मारने आई थी जहर पिलाने आई थी तब भी उसकी जो ममता को देख करके उसके प्रेम को देख करके उसको कौन सी गति दे दी, गोलोक की गति दे दी, जिसको कीर्तन में बताया जननी की गति दई पूतना को ढेला, जननी की गति दई पूतना को ढेला, विष जो पिलाने आई पाई मुक्ति के नमकेल। खेल खेल में क्या दे दी, खेल खेल में दिया, आया दुखती और पूतना गई भगवान के धाम चली गई खेल खेल में। और क्या हुआ, खुले गोलोक के द्वार प्रेम नदिया की सजा उल्टी बहे धार। मारने आई थी उसको क्या दे दिया, उल्टा, सब उल्टा। हमारे यहाँ क्या होता है, कोई मारने आता तो हम भी उसको मार देते, लेकिन कृष्ण ने क्या करा, जो मारने आई थी उसको ऐसी गति दे दी, बड़ी दुर्लभ गति वहां पे प्रदान कर दिए। जब ये सारी की सारी कथा परीक्षित महाराज सुन रहे थे उनको बड़ा आनंद हो रहा था, क्योंकि परीक्षित कौन है, भगवान के भक्त है, उन्होंने गर्व में भगवान का दर्शन किया और ये कथा ही तो सुनना चाहते थे, ये कथा के लिए बैठ करके इतने दिनों से सुन रहे थे। जब ये कथा परीक्षित महाराज सुना रहे हैं तो सुन सुन के उनका हृदय गदगद हो रहा है, पुलक हो रहा है, इतना आनंद परीक्षित महाराज जी को आ रहा है कि वो अब यहाँ प्रश्न करते हैं और जानने के लिए। बोला सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न करते, बोला प्रभु आपने बताया कि भगवान ने 5 साल में अगासुर का वध किया और 6 साल में सखाव ने गांव में बताया, सबको ब्रज में बताया, तो 1 साल बाद क्यों बताया, क्या कारण है 1 साल बाद बताया। इसको सुन करके जो सुखदेव गोस्वामी ने ध्यान लगाया, जो पूरी पूरी भगवान की लीला और ध्यान लगा करके भगवान की लीला को स्मरण करके भगवान के प्रेम में आनंद में सुखदेव गोस्वामी को इतना आनंद वहां पे हुआ कि वो मूर्छित हो गए। इसको देख करके परीक्षित जो है वहां चुप हो गए हैं, और जो सामने जितने भी वहां पे श्रोता बैठे हैं, साधारण श्रोता नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि नारद व्यास वहां पर बैठे, उन्होंने देखा सुखदेव गोस्वामी को ये प्रेम मूर्छा हुई है, इसलिए उन्होंने क्या करा वहां पे बड़ा सुंदर कीर्तन को किया। तो कीर्तन को जैसे ही किया, कीर्तन सुनते 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 जब बहुत कीर्तन हुआ तब सुखदेव गोस्वामी पुनः जागृत हुए हैं, उन्होंने आगे की कथा सुनाएंगे किस प्रकार ब्रह्मा जी को मोह हुआ और हमारे भी सुखदेव गोस्वामी को सुना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 Hare 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 Hare
सला किया। चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्री माधुभक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री 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 माधुभक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग गतकल्य श्रवण कर रहे थे जब श्री परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कहते कृष्ण तब 5 साल उम्र में उन्होंने अघासुर को वध किया, लेकिन जब घर में वापस आए कृष्ण सखाओं को साथ में उन्हें 6 सालों में उन्होंने ये बात बताई। बोले मैया जान तो आज कहा भयो। बोले कहा भयो? बोले कन्हैया ने एक बहुत बड़ा सांप मार डाला है, उनको तो पता नहीं ये अघासुर है। कहते बहुत बड़ा सांप को कृष्ण ने मार डाला है। तब उन्होंने जब ये प्रश्न की, अभी ये प्रश्न को सुन करके तब श्री सुखदेव गोस्वामी कृष्ण का चिंतन करते करते कृष्ण की बाल्य लीला को चिंतन करते करते वहीं पर उन्होंने जैसे बेहोश जैसे हो गए, और जितने वहां पर ऋषि मुनि लोग थे उन लोगों ने जोर से कीर्तन किया। जब कीर्तन किया कीर्तनों का आवाज सुन करके श्री सुखदेव गोस्वामी की ध्यान टूटी। जब ध्यान टूटी कहते साधु पृष्ठम महाभाग त्वया भाग गतोत्तम जत जत नूतन शिष्य श्रीनपि कथा। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को संबोधन करके कहते बोले कौन है, क्या है? कहते तुम कौन हो? बोले भागवत उत्तम है। बोले भक्तों में तुम सर्वश्रेष्ठ उत्तम भक्त है। बोले क्यों? बोले तुमने इतने सुंदर सुंदर प्रश्न करते हो जो कि कथा को नई नई रस दे देता है। जैसे अगर कोई सुनने वाले हो, अगर कोई बढ़िया सुनने वाले हो ना, श्रोता हो, जो वक्ता है उसका अंदर में भावना आती है। अगर श्रोता अगर सो जाए और वक्ता फिर वक्ता रहेगा, इसलिए कहते श्रोताओं को देख करके वक्ताओं का मूड बनता है। इसलिए श्रोता बहुत बढ़िया श्रोता होनी चाहिए। इसलिए कहते तुम तो भागवत उत्तम है। बोले क्यों? बोले तुम इतने सुंदर सुंदर प्रश्न तुम करते हो, प्रश्न करके हमारे मूड को तुम बना देते हो। और परीक्षित महाराज के अंदर में एक विशेष गुण है, कहते कृष्ण कथा सुन करके कभी तृप्त नहीं हो रहे। जितने सुनते हैं ना बीच बीच में सुंदर सुंदर ऐसे प्रश्न कर देते हैं, जिस प्रश्न को सुन करके श्री सुखदेव गोस्वामी के अंदर में भावना की जागृत हो जाती है। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं जो कृष्ण कथा है ये कभी किसको तृप्त नहीं करता है। ये जगत में कोई भी चीज खाओ ना क्या हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा। रसगुल्ला खाते 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 एक खा दिया, दो खा लिया तो बहुत बढ़िया, तीसरा बोले ठीक है, चौथा नहीं, चौथा खा लिया, अगर पंचवा खाओ तो उल्टी हो जाएगी। उल्टी हो जाएगी नहीं, बढ़िया से कोई सिनेमा आ गया, एक बार देख दिया कैसे बहुत बढ़िया, दो बार देख लिया ठीक है, तीसरा बार हाँ ठीक ठाक, चौथा बार बोले और नहीं, चौथा बार अगर फिल्म हॉल में चले जाओगे ना पांचवा बार तुम वहां घुसोगे नहीं तुम कभी। ये जगत का कोई भी चीज को देखो, कोई भी चीज आनंद संसार में कभी बढ़ेगी नहीं। हर आनंद संसार में धीरे 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 नीचे नीचे सब आनंद नीचे नीचे सब उतर जाएगा। सारे आनंद कोई भी आनंद बता दो, कोई भी आनंद संसार में बैठने वाले नहीं है। लेकिन जो भक्ति का जो आनंद है ना ये कभी घटने वाले नहीं, ये हर समय बढ़ती है। भगवान की भक्ति हर समय बढ़ती है। ठाकुर को जब जब देखो ना नहीं नहीं आज तक नहीं दिख रहे कि नहीं,
हाँ बोले क्या सामानों का प्रभु ने कुछ कुछ ना सुंदर श्रृंगार किया, ठाकुर जी को बड़े सुंदर श्रृंगार किया। इसलिए कहते भगवान की जो भक्ति है ना उसमें कभी, इसलिए नारद जी भगवान से ही वर मांगे, उनने दो वर मांगे, श्री नारद कृष्ण से दो वर मांगे थे। पहला वर ये था बोले प्रभु जहां जहां आप ये मधुर मधुर लीला किए, अगर कोई भक्तों के आनुगत्य में वहां पर जाए और बैठे वहीं पर भगवान की कथा सुने और वहां जो चरण धूल पड़ा हुआ वहां पर लोट पोट खाए, जिसका हृदय जल्दी से जल्दी पवित्र हो जाए और उसका हृदय में आपकी भक्ति आपका प्रेम प्रकट हो। दूसरा क्या था, तुम्हारी कथा सुन करके जैसे किसको कभी तृप्त नहीं होनी चाहिए, मतलब जितने कथा सुने लगे और सुने और सुने और सुना और सुना, जिस कभी किसकी तृप्त नहीं हुए। इसलिए पृथ्वी महाराज भगवान से क्या मांगे, क्या मांगे थे, हमें 10,000 कान दे दो। बोले 10,000 कान लेकर क्या करोगे, दो कान तो बढ़िया लग रहा है, सारा शरीर में कान कान हो जाए थोड़ी अच्छी लगेगी। बोले प्रभु 10,000 कान मतलब है दोनों कानों में इतने शक्ति दो जैसे 10,000 कानों में कृष्ण कथा सुनने की जितने शक्ति, अब ये दोनों कानों में उतना शक्ति दे दो। बात जैसे कि यहाँ कथा हो रही है और भी तो कहीं कथा होती होगी, जैसे कहीं की कथा जैसे चुप नहीं जाए। इसलिए कहते हनुमान जी कौन है, कहते हनुमान जी कहते ज्ञानिनम अग्रगण्यम। कहते हनुमान कौन है, बोले ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हनुमान। क्या हम कोई कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन बोले जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम। अगर लाख करोड़ों जगह पर अगर प्रभु राम की कथा हो ना, हनुमान जी सबसे पहले जाएंगे। सब देखना कहीं भी राम कथा होगा पहले हनुमान की फोटो लगाते हैं, क्यों, राम कथा के सबसे बड़े रसिया कौन है कि हनुमान जी, सबसे पहले हनुमान जी की फोटो वहां लगता है, क्यों, कथा की सबसे पहले हनुमान आएंगे, सबसे पीछे बैठेंगे, आखिर ऐसे नहीं बैठ जाएंगे। पहले क्या करेंगे, जहां पर कथा हो रही है पहले वो स्थान प्रणाम करेंगे, फिर जो कथा सुनने वाले हैं उनको भी प्रणाम करेंगे और जो कथा बोलने वाले हैं उनको भी प्रणाम करेंगे। बड़े और कैसे कथा सुनेंगे, आंख बंद करके हृदय गदगद होकर के आंखों से आंसू बहाते हुए प्रेम से हनुमान जी कथा सुनेंगे। लेकिन जाएंगे कब, कब जाएंगे, जब कथा समाप्ति हो जाएगी फिर वो कथा स्थल को पर प्रणाम करेंगे, बैठे हुए लोग भक्तों को प्रणाम कथा वाचकों को प्रणाम करके फिर हनुमान जी वहां से वापस जाते हैं। लेकिन हनुमान जी कौन है, बोले ज्ञानिनम अग्रगण्यम, सबसे बड़े ज्ञानी कौन है, श्री हनुमान जी। लेकिन जब वो कथा सुनते हैं ना, यहाँ पर शिक्षा देते हैं कथा कैसे सुननी चाहिए, कहते कथा पंडित होकर नहीं सुननी चाहिए, कथा हमें क्या सुनाएंगे, हम सब जानते हैं हम क्या सुनाएंगे, कहते नहीं ऐसे कथा नहीं सुनानी चाहिए, कथा अज्ञा बन करके सुननी चाहिए। भैया हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो कुछ भी नहीं जानते, मूर्ख बन करके कथा सुननी चाहिए, पंडित बन करके कथा नहीं सुननी चाहिए, फिर तो कथा के आनंद नहीं आएगा, फिर तो दोष देखते रहेंगे कहाँ पर गलत बोल रहे, दोष में ध्यान रहेगा लेकिन कथा में ध्यान नहीं रहेगी। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी परिचित रहते, परिचित कौन हो, हाँ तुम कौन हो, बोले भागवत उत्तम हो, उत्तम भागवत है। उत्तम भागवत क्यों कहते हैं, कथा को जो नई नई रूपक जो प्रदान करने वाले हैं, नूतन हर समय कथा को जो नए नए रूपक देने वाले, सुन करके भी कथा में जिनकी अरुचि नहीं, हर समय कथा में जिनका अनुराग है। उदाहरण देते हैं जैसे एक कामुक व्यक्ति है, कामुक व्यक्ति क्या करता है, हर समय कहीं अगर काम की बात हो है, लड़कियों की बात हो, उनको कान खड़े करके सुनते हैं, क्योंकि वो कामुक व्यक्ति है, जैसे कामुक व्यक्ति ऐसे कान खड़े करके कथा सुनते हैं, उसी तरह कहते जो भगवत कथा में कहते इनकी ठीक वैसे कृष्ण कथा में ऐसे इनकी रुचि है। कहते श्री गुरुदेव जैसे अपना शिष्यों को अत्यंत गोपनीय से गोपनीय बात को बताते हैं, उसी तरह से सुखदेव गोस्वामी परिकृत महाराज को भी ऐसे ही गोपनीय से गोपनीय बात उनको सुनाते हैं। अभी कृष्ण सखाओं के साथ में गया चराने के लिए आए, जब आए तो अपना अपना घर से बड़े सुंदर सुंदर माताओं ने किसको दही भात, किसको दूध भात, किसको पकौड़ा, किसने मालपुआ, किसने बड़े सुंदर सुंदर लड्डू, बड़े सुंदर सुंदर घर से भोजन लेकर के आए। जब भोजन लेकर के आए, अभी कृष्ण सोच रहे चलो हम सखाओं के साथ में बैठे करके भोजन करेंगे, बस भोजन करेंगे,
बोले कहां पर जाकर के बैठे, बोले जमुना के उपकुल में, जहां पर जमुना कलकलनाद से बह रही है, जहां पर सुंदर सुंदर बेली चमेली कहते थे सुंदर जहां फूल खिले हुए हैं, जहां पर सुंदर रेती है, बड़े सुंदर रेती विस्तृत रेती, उसको ही पर जाकर कृष्ण बीच में बैठ गए। और कृष्ण का तो अनंत सखा है, अभी चार तरफ में घेर घेर सब बैठे, चार तरफ में घेर घेर। उदाहरण देते हैं कैसे, जैसे कमल फूल आप देखे होंगे, जैसे कमल का फूल है कर्णिका और बीच में चार तरफ में पकुड़िया है, ऐसे सबके सब बैठ गए। लेकिन कहते आश्चर्य बात है, जो पीछे में बैठा हुआ ना वो भी देख रहा है कृष्ण को मुख दर्शन कर रहे हैं, जो बगल में बैठा हुआ है वो भी देख रहा है कृष्ण को मुख दर्शन कर रहे हैं, जो इधर बैठा हुआ वो सबके सब कृष्ण दर्शन हो रहा था, हैं सबके सब पास में, ऐसे कृष्ण को एकदम पास में चिपक कर बैठते हैं। बोले क्यों, सखा है ना, सबके सब दोस्त है, देखना एक दोस्त दूसरे दोस्त के पास में जैसे शरीर को हैं एकदम पास करके बैठता है, सारे सखा चार तरफ में प्रीति की वजह से सबके सब बैठे हुए, लेकिन सबके सब भगवान का मुख कमल दर्शन कर रहे थे। क्योंकि शास्त्र ने बताया जैसे सालग्राम देखे कि नहीं, गिरिराज शिला देखो सालग्राम को, उनका मुंह किधर है आप बताओ, गिरिराज शिला का मुंह किधर है, उनका सर्वत्र मुंह है, सर्वत्र उनको प्यार है, सर्वत्र उनकी आंख है ठाकुर जी की, हाँ जिधर देखो उधर ही आंख है। सालग्राम का किधर मुंह, थोड़ी चार तरफ में मुंह है, चार तरफ आंख, चार तरफ प्यार है। उसी तरह यहाँ पर भगवान भी ऐसे ऐश्वर्य को प्रकट किया, जो जिधर बैठा हुआ देख रहे कृष्ण की मुख दर्शन कर रहे थे। मुख दर्शन करते हुए यहाँ पर किसको ऊपर में भोजन कर रहे थे, कोई सुंदर पत्ता ले लिया है, सुंदर कोई पत्ता ले लिया, कई सुंदर फूल ले लिया, किसने किसी पेड़ का बलकल ले लिया, उनका छिलका ले लिया, कोई पत्थर के ऊपर में है अपना सुंदर करके पत्थर के ऊपर में, कहाँ पर पत्थरों को भोजन किया, बोलो कांबे वन में, कौन कौन कांबे वन गए हो, हाथ उठाओ कौन कांबे वन गए। देखना अभी भी ठाकुर जी जिस पत्थर के ऊपर भजन किए थे अभी भी वो भजन थाली रखे, अभी भी बना हुआ है, कितने सारे भजन थाली वहां पर बनी हुई है। कहते यहाँ पर प्रमाण होता है ठाकुर जी कैसे पत्थर के ऊपर में भी सबके सब भजन कर रहे थे। अभी सबके सब अपना निकाले, जो भोजन लाए थे निकाले, और निकाल करके सबके सब क्या कर रहे थे, पहले सखा लोग पहले खा लेते थे, बोले कन्हैया मेरे भैया जो कितना सुंदर केक भेजा है, पिस्टर यहाँ पर पीठा, पीठा तो यहाँ कहते नहीं, पता नहीं तुम लोग क्या बोलते हो बंगाल में पीठा बना, हाँ भुजिया, इसलिए इसलिए बंगाल में ना पीठा बना बोलते हैं, जैसे इधर जैसे केक फेक बनता है ना बड़े सुंदर रूप में, ऐसे ये बड़े सुंदर सब निकाल करके पहले खाते हैं, बोले कन्हैया देख मेरे भैया कितने सुंदर उन्होंने, हाँ कितना सुंदर उन्होंने केक भेजा है, ऐसे करके खा रहे थे, कृष्ण को खिला रहे थे और बीच बीच में हंसी हंसी दिले कर रहे थे। लेकिन बीच बीच में क्या करते थे, जो केक है ना जैसे केक जैसे उसका अंदर में उसको थोड़ी सी निकाल करके उसका अंदर कभी नीम पाता कभी जो मालती फूल का पाता उतना कड़वा होता है भर करके हैं, तो देखो कितने सुंदर मेरी मैया ने केक भेजा, दूसरे से कहा छीन लेता है तो अकेला खाओगे, लेकिन जब वो खाने लगता है ना उसका बीच में क्या है नीम पाता भरा हुआ है, जब खाता है उसको बड़ा क्रोध आ जाता है, बोले तुमने मेरे को ठग लिया, फिर क्या करते हैं उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। इसलिए सखा लोग ऐसे ऐसे बीच बीच में जैसे भजन का समय में खूब हंसी दिल्ली कर रहे थे, खाते समय कोई किसको भगा रहे कोई किसको खा रहे ऐसे ऐसे कर रहे थे। करते करते जब खा रहे थे और अपना जो बेणू किसने श्रृंगा सबके सब कमर में गूंज करके रखा वहां पर, इतने में भगवान कृष्ण अपना हाथों में, आप लोग कभी दही चावल खाए हो, दूध चावल कभी खाए हो, नहीं खाए ना, हाँ ये कौन 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 खाए, खीर तो खाए, लेकिन दही चावल यहाँ पर कहे दही चावल और दूध चावल भगवान बड़ा प्यारा है, ठाकुर जी खाते हैं दही चावल दूध चावल, कृष्ण अपना हाथों से ऐसे रखे हुए है डेला करके रखे हुए, और इधर फल और कहीं टिटी टेटी का अचार आम का अचार ऐसे ऐसे अंगुल की, और ठाकुर जी वहीं पर ठाकुर जी भोजन कर रहे थे। हैं भोजन करते करते इतने में एक भ्रमर उड़ते हुए आया, जब उड़ते हुए आया कृष्ण ने कहा भंवरा तू मेरे तरफ में क्यों आ रहे हो, देख नहीं रहे सामने मधुमंगल बैठा हुआ है, सामने मधुमंगल बैठा हुआ और मधुमंगल का कितना सुंदर मुख कमल है,
तो उसका मुंह कमल छोड़ कर मेरे तरफ में क्यों आ रहे, उधर चले जा ना, मधुमंगल तरफ में चले जा। जब इतने बोले जो मधुमंगल ब्राह्मण है, हैं? बोले क्या ये ब्राह्मण को ऊपर में भौरा को भेज रहे हो, हैं? ब्राह्मण को डर नहीं, तेरे जन्यू निकाल कर तेरे को अभिशाप दे दूंगा, अभिश्राप दे दूंगा तेरे को अभी। ऐसे ऐसे कर रहे थे। इतने में कृष्ण ने कहा देखो यहाँ पर कुछ बंदर भी वहां पर थे। बोले बंदर को, बोली बंदर तो भूखे बंदर है, लेकिन अभी भूखे बंदर रहते हुए फिर हम लोग यहाँ पर आनंद प्रभु को खा कैसे रहे हैं? ये बंदर आकर कभी छिना झपटा करते हैं ना, तो तुम लोग छिना झपटा नहीं कर सकते हो। कृष्ण की मन में इतनी सी इच्छा हो गई। जब इच्छा हो गई, कृष्ण की जो इच्छा है उनका जो सत्य संकल्प जो माया, मतलब जो इच्छा करते हैं माया क्या करती, जो मैं पूरी कर देती है। अभी सत्य संकल्प माया ने देखा कृष्ण की मन में ये इच्छा है, हम भोजन करते करते भोजन का बीच में थोड़ा बाधा पड़ जाए, बंदर आ जाएंगे, इधर उधर आएगा तो भाग दौड़ करने लग जाएंगे, चिनाता निकल ले। ठाकुर को ये इच्छा, ये इच्छा जान करके उनको सत्य संकल्प माया ने उन्हें ब्रह्मा जी को बुला दिया। जब ब्रह्मा जी को बुलाए तो ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी आकर के उन्होंने क्या देखा था, पहले जब कृष्ण अघासुर को वध किया, जब कृष्ण उसको मुंह में प्रवेश किया था, जब अघासुर को कृष्ण मार दिया उसको ब्रह्मतल फट गई और एक ज्योति ऊपर निकलते हुए आकाश में बढ़ाते रहे। कृष्ण जब बाहर आए वो ज्योति ने कृष्ण को शरीर में प्रवेश कर गया। ब्रह्मा देखे ये बच्चा है कौन, इतना छोटा सा बच्चा ये ब्रह्म ज्योति, अरे ये ब्रह्म ज्योति इनके शरीर में मिल गया। फिर वो ब्रह्म ज्योति क्या हुआ, फिर उन्हें चतुर्भुज रूप धारण करते हुए और धीरे 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 वैकुंठ चला गया। तो ये बालक है कौन, अरे ब्रह्मा के मन में तो कुतूहल हो रहा है, ये क्या सच मुझसे भगवान है, ये क्या, ये तो छोटा सा बालक है और ये कैसे भगवान। ब्रह्मा किसका, नाभि कमल से आए, नारायण की, जो नारायण की जो भक्ति वो दास्य रस में, नारायण का भक्ति दास्य रस में भक्ति नारायण की, ये हमारे प्रभु हम उनकी सबके सब नौकर सबके सब सेवक। लेकिन ब्रज ब्रज में को ब्रज में कौन सा भक्ति, वहां पर तो कृष्ण कोई भगवान मानते नहीं। लेकिन जब ब्रह्मा देखा कृष्ण क्या कर रहे हैं, सबका झूठन कृष्ण खा रहे थे, सब सखा लोग घर में जो लाए कलेवा लाए खा कर कृष्ण को दे रहे थे, कृष्ण सबका झूठन खा रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा भैया ये कैसे भगवान है, इसको झूठन फूटन भी कुछ पता नहीं, सबका झूठा खा रहे, ये कैसे भगवान है। इसलिए ब्रह्मा जी सोचा थोड़ी से आगे से लीलांग में दर्शन कर। जब इतने उनको मन में इच्छा हुई, इतने में कृष्ण वहां पर जो बैठे हुए थे और कुछ बछड़े को उन्होंने बांध दिया था पेड़ में, इधर उधर चले नहीं जाए हरी हरी घासों के पास में। थोड़ी देर बाद में देखा ये बछड़े चलते चलते हरी हरी घास को देखते 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 अंदर में कहाँ चले गए। सखाने बोले कन्हैया हम तो यहीं पर बछड़े को छोड़ दिए थे, बछड़े कोई दिख नहीं रहे, गए कहाँ। कृष्ण ने बोले कोई चिंता मत करो, तुम लोग बैठो मैं देखता हूँ। जब कृष्ण उधर गए ना, इधर में ब्रह्मा जी ने क्या किया, उधर सखाओं बछड़ों को और इधर जो सखाओं को उन्होंने एक साथ में ब्रह्मा जी इनको लेकर कहाँ चले गए, ब्रह्मा जी इनको लेकर के एक वत्स गांव में सही गए हो, जहाँ पर कृष्ण बछड़े को छुपाया था अभी भी वो गुफा है, जिस गुफा में छुपाया था अभी भी वो गुफा है। कौन कौन देखे हो, एक गोपी देखे, इसलिए हमारे भक्त लोग देखे, इसलिए अभी भी वो गुफा है जिसमें ब्रह्मा जी ये बछड़े सखाओं को जहाँ पर उन्होंने छुपाया था उन्हें लेकर ब्रह्मा जी छुपा दिए। जब ब्रह्मा जी छुपा दिए, छुपा करके ब्रह्मा जी ये सोच रहे थे अभी मैं देखता हूँ इनको परीक्षा करके, अगर ये समझ जाएंगे नहीं तो बछड़े सखा को वहां से ले आएंगे, नहीं तो मेरे को ब्रह्मा जी नहीं तो प्रार्थना करेंगे भैया मेरे बछड़े सखा को कहाँ तुमने ले गया, नहीं तो क्या करेंगे, नहीं तो कृष्ण को समझ नहीं सकते, कृष्ण को समझ नहीं सकते। तो यहाँ पर विश्वनाथ ठाकुर टीका में कहते हैं भैया ब्रह्मा का मतलब क्या होता है, जो ब्रह्मा शब्द मतलब होता है ब्रह्मा एव सर्वभीत भवति, ब्रह्मा का तात्पर्य जो होता है जो सब जानता है। अगर देवता लोग अगर सारे बात को जान सकते हैं, हम जाकर देवता के पास में प्रार्थना करते ना, ठाकुर जी हमें ये दे दो, ठाकुर जी हमें ये दे दो, ठाकुर जी हमारी इच्छा पूरी कर दो, प्रार्थना करते ना सब देवताओं को। अगर साधारण देवता लोग अगर हमारी मन की भावना समझते हैं तो ब्रह्मा क्या नहीं जानते। ब्रह्मा मतलब होता है जो सब कुछ जानते हैं। अगर सब कुछ जानते हो तो फिर ब्रह्मा जी फिर ये सब काम कैसे क्यों किया, बछड़ सखाओं को फिर उन्होंने क्यों चोरी किया, कार क्यों चोरी किया। तो यहाँ पर कहते हैं इसमें कुछ रहस्य है, इसमें कुछ
रहस्य है। बोले क्या रहस्य इसके अंदर में? बोले रहस्य ये है, अभी कृष्ण जब अपना माँ की स्तन कृष्ण पान करते हैं, ब्रज में जितने मातृस्थानीय गोपियां हैं ना, इनकी मन में ये इच्छा होता है कृष्ण कभी क्या मेरे लाला बन करके आएंगे, हम क्या मैया जसोदा जैसे कृष्ण कभी कभी स्तन पान क्या करा पाएंगे। अभी सब की गोपियों के मन में इच्छा जो मातृस्थानीय, और दूसरा इच्छा किया कृष्ण जब मैया के स्तन पान करते हैं ब्रज में जितने गैया, कृष्ण जो गैया को चराते वो कोई साधारण गैया नहीं है, वो कौन है? कहते वेद का मंत्र ऋचाएं नारद गरुड़ ये सब के सब गो रूप धारण करके आए, ये बात्सल्य रस को आस्वादन करने के लिए। इसलिए कृष्ण जब माँ की स्तन पान करते हैं ये गैया को मन में भी किया इच्छा, कृष्ण कभी हमारी भी बछड़े बनेंगे, कृष्ण कभी हमारा स्तन क्या पान करेंगे, इनके मन में भी ये भावना है। अभी कृष्ण चाहते सबकी इच्छा पूरी करें। तीसरी इच्छा क्या? तीसरी है ब्रज में जितने गोपियां जो जन्म ग्रहण की, उसको गोपी कौन है? ये कोई लड़की नहीं है, बोले ये कौन है गोपी? बोले भगवान राम जब दंडकारण्य में गए थे, वो जो बड़े बड़े ऋषि लोग जो तपस्या कर रहे थे गोपाल मंत्र में, जब उन्होंने राम को दर्शन करते ही, और गोपाल कृष्ण राम एक ही है, राम कृष्ण एक ही है, अभी उन्होंने राम को देख कर उनको श्याम की याद आए, सबके सब राम को पति रूप में प्रार्थना की, भगवान राम बोले नहीं, रामावतार में सीता के सिवाय मैं और किसी को ग्रहण नहीं कर सकता, तुम सबके सब ब्रज में गोपी बन करके आओ। सब ऋषि लोग और वेद का कुछ मंत्र इन लोगों ने गोपी बन करके आए हैं, और बड़े बड़े हैं जनकपुरी के जो सीता की जो सहेलियां, और हर साल जो एक यज्ञ करते थे श्री रामचंद्र, जितने सीता इस सब के सब गोपी बन करके आए, ये कोई लड़कियां नहीं है। गोपी बनकर क्यों आए? बोले कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए। अभी कृष्ण सोच रहे हैं इनकी गोपियों की इच्छाओं को मैं कैसे, इच्छाओं को पूरी कैसे करूं। अभी कृष्ण के मन में ये इच्छा है, हैं? इस सब इच्छा की वजह से कृष्ण ने क्या किया, ब्रह्मा जी को उन्होंने मोहित करवाया, ब्रह्मा जी को उन्होंने मोहित करवाया, मोहित करा के उनने बछड़े और सखा को चोरी की। फिर तीसरा यह प्रश्न होता है, भैया ब्रह्मा का क्या हिम्मत है कृष्ण के बछड़े और सखा को चोरी करे? क्यों? अगर ये बछड़े सबके सब वेद का मंत्र है, गौरुण नारद आदि, उनको ब्रह्मा कैसे चोरी करेगा कैसे? और कृष्ण का सखा कौन है? कृष्ण का कायब भी है सबके सब, इस कोई साधारण कृष्ण के सखा है कोई साधारण नहीं, तो ब्रह्मा की क्या हिम्मत है जो कि कृष्ण के सखाओं को चोरी करके ले जाए? कहते इनके चरण की धूल में इतने शक्ति, कितने कितने ब्रह्मा ब्रह्मलोक को सृष्टि कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या हिम्मत है जो कि उनके बछड़े सखाओं को चोरी कर ले जाए? फिर क्या हुआ? हाँ देखिए यहाँ पर कहते हैं जब ब्रह्मा वहां पर आए, कृष्ण सब जानते हैं, कृष्ण सब जानते हैं, इतने में उनको लीला शक्ति जोग माया ने किया कि उन्होंने माइक सखा और उनने बछड़े को सृष्टि कर दिया, जो असली नहीं माया के द्वारा उन्होंने बछड़े सखाओं को चोरी प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी ने जिन बछड़े सखाओं को चुराया वो असली कृष्ण का सखा बछड़े नहीं, वो नकली, इनको ब्रह्मा जी चोरी करके ले गए। फिर जो असली थे फिर कहाँ चले गए? और जो असली थे ना, कहते वहीं पर वहीं के वहीं हैं, भगवान की जो अचिंत शक्ति को द्वारा वहीं के वहीं अंतर ध्यान हो गए, ब्रज रज में ही वहीं पर अंतर ध्यान हो गए सब के सब। इसलिए ब्रह्मा जी ने किया कि ब्रह्मा जी सोचा इनको तो मैंने लेकर के छुपा करके चले गए, अभी ब्रह्मा जी ये सब सोच करके, ब्रह्मा जी सोच करके उन्होंने ब्रह्मलोक में गए हैं। जब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में चले गए, इतने में कृष्ण हैं, कृष्ण जब गए थे ढूंढने के लिए, कृष्ण जब वापस आए देखा कोई बछड़े नहीं कोई सखाए है नहीं वहां पर, बोले गए सबके सब गए कहां? इतने में कृष्ण सोचने लगे सब गए कहां? जब गए कहां, इतने में उनको जो अचिंत शक्ति जोग माया ने उनका स्मरण कराया, बोले प्रभु ब्रह्मा जी आपकी ये लीला देख करके समझ नहीं पाए ये आपकी लीला कैसे लीला है, इसलिए इन्होंने आपकी आगे की लीला देखने के लिए उन्होंने ये बछड़े और सखाओं को चोरी किया है, हाँ चोरी किया है। तब विश्वनाथ जी यहाँ पर प्रश्न फिर उठाते हैं, क्या कृष्ण उसी समय कृष्ण को पता चला गया ना, कृष्ण थोड़ी देर बाद में उनको पता चला ना, उसी समय कृष्ण को पता चले गया था? बोले नहीं, कृष्ण ऐसे कुछ अभिनय कर रहे थे जैसे कृष्ण को ये बात पता नहीं, ब्रह्मा जी ने चोरी करके ले गया। बोले क्यों? बोले कृष्ण कौन है जो कण कण में व्याप्त है, कहते ना उसके इच्छा के बगैर एक पता भी
नहीं हिलता है, जो हर कण कण में जो भगवान विद्यमान है, सर्वत्र भगवान के विद्यमान। ये प्रह्लाद का कथा में आती है ना, उसको पिताजी ने पूछा बता तेरे हरि कहाँ है, जिस हरि के नाम पर तू इतने बलवान बता तेरे हरि कहाँ है। बोले बताओ मेरा हरि है नहीं कहाँ, मेरे तो सर्वत्र ठाकुर सब जगह में बैठे, सब जगह। बोले खंबे में क्या है, बोले मेरे को तो दिख रहा है ठाकुर जी बैठे हुए। बोले मेरे को क्यों नहीं दिख रहा है, बोले पिताजी ये जड़ आंख से उनको नहीं देख सकते हो, उनके लिए तो प्रेम रूपी अंजन लगाना पड़ेगा, आपकी नेत्र में तो काम क्रोध लोभ रूपी अंजन लगाए हो, काजल लगाए हो। बोले तेरे प्रभु को दिखाता हूँ, मारू मुष्टि का भाग तो क्या हुआ, ठाकुर जी खंबे से प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की, बोले श्री प्रह्लाद महाराज की। इसलिए कृष्ण सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने नाटक सा क्या कर रहे थे जैसे मेरे कुछ पता नहीं। जब उन्हें पता चला किया ब्रह्मा जी ने ये सब के सब काम ब्रह्मा जी ने किए, इतने में कृष्ण ने क्या किया, सबके सब अपना शरीर से सब प्रकट किया। जैसे सखा थे, जिसको जितनी उम्र, जिसको जैसे बोली, उनकी लकुटी जैसे, जिस सखा की रंग जैसे हैं, उनका रंग जैसे, उनकी जैसे हुबाहू जैसे बछड़े थे, ठीक कृष्ण सबके सब बछड़े और कृष्ण सबके सब सखा बन गए हैं। सखा बन करके कृष्ण स्वयं उनका बेत्र, उनका बंसुरी, उनकी लकुटी, कृष्ण स्वयं बनकर क्या कर रहे, खुद को खुद कृष्ण ले जा रहे, क्योंकि बछड़े सखा तो कृष्ण ही ना। इसलिए कृष्ण अभी स्वयं करता है, प्रजोज करता भी कृष्ण, स्वयं को स्वयं हाँकते हुए कृष्ण ब्रज में ले जा रहे। लेकिन ब्रज में क्या हुआ, देखो ब्रज में ये हुआ, जितने मातृस्थानिया गोपी थी, ये रोज एक बार ना एक बार कृष्ण को दर्शन करने के लिए नंद भवन में आती थी, क्योंकि कृष्ण कौन है, ये परमात्मा, कृष्ण परमात्मा, इसलिए रोज कृष्ण को दर्शन करने के लिए आती थी। इसलिए जगत का नियम क्या बताओ, जगत का नियम है भले ही दूसरा का बेटा जितने सुंदर क्यों नहीं हो, लेकिन अपना बेटा जैसे सुंदर दुनिया में माता को कुछ भी नहीं लगता, नियम है ना। अपना बेटा जितने सुंदर अच्छा लगता है, दूसरा बेटा जितने सुंदर क्यों नहीं हो, आप देखना माताओं का स्वभाव क्या है, अपना बेटा ही माँ के लिए सब कुछ, अपना बेटा जैसे कोई जगत में किसको सुंदर नहीं लगता है। जगत में यही नियम है ना, यही नियम है, नियम है ना, भले जितना जिसको जितना बेटा सुंदर हो, अपना बेटा जैसा और कोई लगता है, कोई नहीं लगता है। जगत की माताओं की एक स्वभाव है, हैं? लेकिन ब्रज में उल्टा था, ब्रज में क्या उल्टा था, उनका बच्चे जितने सुंदर क्यों नहीं हो, वो जब तक कृष्ण को दर्शन नहीं करते वो चैन नहीं बढ़ता। बोले क्यों नहीं चैन बढ़ता, कारण क्या, बोले कारण है हम बेटे को क्यों प्रेम कर रहे हैं बता, चूंकि उसके हृदय में परमात्मा रूप में ठाकुर जी है। अगर परमात्मा चले जाए बेटे को स्पर्श करोगे, प्यार करोगे, उसको लेकर के घर से निकाल दोगे, घर से उसको निकाल दोगे, जला दोगे उसको। जिस बेटे को अभी तुम प्यार कर रहे हो तो अभी भी प्यार करो ना उसको, मरने पर क्यों प्यार नहीं करते, क्यों, उसकी अंदर में जो असली जो चीज थी है, जिसकी वजह से तुम प्रेम कर रहे हो, चीज अभी निकल गई। इसलिए जिसको स्नान करके छूती थी, उसको छू करके तुमको अभी स्नान करना पड़ेगा, उसको छू करके तुम्हें स्नान करना पड़ेगा। क्यों, किस वजह से उसको प्रेम करते, उसके उसके अंदर में परमात्मा रूप में ठाकुर जी बैठे हुए है, इसलिए उसको प्रेम कर रहे हो। ठाकुर चले गए तो प्रेम कोई नहीं करेगा, लेकिन कृष्ण कौन है, ये आत्मा की आत्मा परमात्मा है, ये आत्मा की आत्मा परमात्मा है कृष्ण। इसलिए जितने गोपियां अपना बच्चों को जितना प्यार करती थी, उससे ज्यादा प्यार सबके सब कृष्ण को करती थी, सबके सब जाकर कृष्ण को दर्शन करती थी। लेकिन अभी क्या हुआ, जब कृष्ण स्वयं सखा बन गए और जो घर में आए ना, पहले माताएं अपना बेटे को जितने प्यार करते थे, अभी कृष्ण स्वयं सखा बन करके आए, ए मैया तो कृष्ण को देख करके, उनको बच्चे को देख करके इतने प्रेम उनको अंदर में आई, अपनी आप स्तन से दूध चुचुआने लग गई, अपने आप हृदय प्रेम में द्रवीभूत हो गया, अपना बच्चों को इसे पकड़ कर छोड़ना नहीं चाह रहे। क्यों, वही कृष्णा भी घर में, कृष्णा ही असली जो कृष्ण सखा, तो वहां पर अंतर ध्यान हुए, अभी कृष्ण स्वयं सखा बन करके आए। हाँ इतने अभी कृष्ण कोई दर्शन करने नहीं जाते, क्यों, कृष्णा भी घर में कृष्ण ही है, लेकिन उनको तो पता नहीं कृष्ण, लेकिन अभी कृष्ण घर में कृष्ण है। जितने बछड़े थे ये सबके सब
है, क्या सोचते कृष्ण कौन बछड़ा बने, लेकिन अभी बछड़ा कौन बने, कृष्ण बछड़ा बन कर क्या, अभी कोई बछड़ा अभी कृष्ण का तरफ में नहीं देखते हैं। हे अपना बच्चे आते ही जितने गैया अपना बच्चे को ऐसे चाटती है जैसे पूरा पूरा उसको खा जाएगी, ऐसे चाटती है जैसे खा जाएगी, और इतने पागल हो जाती है अपना बच्चे को देखकर। क्यों? अभी स्वयं कृष्ण परमात्मा स्वयं बछड़े बनकर के आए, वो कोई भी कृष्ण को नहीं देखते, माता ही कोई और कृष्ण को दर्शन करने के लिए कोई नहीं जाते हैं। लेकिन ऐसे ही कितना दिन बीत गया, एक साल ब्रह्मा आए, ब्रह्मा ये काम को करके, जब ब्रह्मा गए और आए और गए, क्योंकि यहाँ का समय में अब ब्रह्म लोक का समय में फर्क है, वहां के समय यहाँ के समय में फर्क है, कुल गए और आते आते ना इसी जगत में कितना दिन बीत गया, एक साल बीत गया यहाँ पर हैं। लेकिन और कहीं कहीं आता है ब्रह्मा जी गड़बड़ी तो करके गए, उनको पता कुछ गड़बड़ी करके गया मैंने, लेकिन ब्रह्मा जब ब्रह्मलोक में पहुंचने से पहले ना कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बन गए, ब्रह्मा बन करके आए, उनका जो दरबार थे बोले देखो मैंने देखा मेरे जैसे कुछ बहु रुपया को घूमते हुए, अगर मेरे जैसे कोई आए ना उसने मत दिया करना। इतने में कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा जी के आसन पर बैठी गई। जब असली ब्रह्मा गए, उनका जो दरबार लोग थे ना लठिया लेकर के ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े, बोले तू कहाँ से आ गया, नकली ब्रह्मा कहाँ से आ गया, हमारे प्रभु तो सही बोल रहे थे, मेरे जैसे कुछ बहु रुपया घूमते हुए सचमुच से तू कहाँ से, उसको लठिया लेकर ना उसको भगाया वहां से। ब्रह्मा जी सोचे ये क्या हो गया, मेरे नौकर मेरे को क्यों भगा रहे हैं। ब्रह्मा जी ध्यान लगाया फिर ब्रह्मा कौन बन गए, फिर देखा उनका प्रभु ही स्वयं ब्रह्मा बन करके वहां पर स्वयं प्रभु बैठे हुए। फिर तो ब्रह्मा जी गए और वहां बैठे क्या उनको चैन नहीं पड़ी, फिर ब्रह्मा जी वहीं से भागे और भागते भागते फिर क्या वो देख रहे हैं, एक साल पहले कृष्ण जैसे बछड़े चरा रहे थे, सखाओं को साथ में हंसी दिल्लगी कर रहे थे, भोजन कर रहे थे, अभी भी कृष्ण वही लीला अभी भी कर रहे हैं। और अभी क्या कर रहे थे कृष्ण, वही हाथ में दही चावल है और वहां पर टट्टी का अचार, आम के अचार, फल हाथ में रखे हुए। ठाकुर जी अभी भी देखा क्या कर रहे थे, अभी भी सखा बछड़े को अभी भी वहीं पर कृष्ण ढूंढ रहे थे अभी पर। तब यहाँ पर कहते भैया तब एक साल तो बीत गया, एक साल बीता कैसे, फिर ये बात हम कल सुनेंगे ये सब बात कैसे हुई। भगवान की जो अचिंत शक्ति, उनकी जो है जो लीला शक्ति, अचिंत शक्ति, ये क्या क्या काम करती हैं, कल ये बात हम कल सुनेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण, ये लोग तो ठीक से बैठे, हम नीचे हाँ हम लोग एक भजन गाएंगे ना, ये गोविंद दामोदर माधवती और राधे राधे और कौन सा है, हाँ जाओ, ये ना पूरा पृथ्वी में ही जाएगी, ये हमारे विदेश में इसको भेजेंगे और पृथ्वी में जितने लोग हैं ये वीडियो को सबके सब दर्शन करेंगे। अब लोग सबके सब हाथ में ताली बजाते हुए कीर्तन करना, ये साथ संपूर्ण विश्व में ये वीडियो जाएगी, हाँ ये वीडियो जाएगी संपूर्ण विश्व में। हम नीचे बैठ कर कीर्तन करते हैं क्या, हाँ क्या सब लोग आ जाएंगे।